Hello friends, this is Tanu Katyayani Gupta from Meerut. Welcome to my channel Miracles of Krishna. Friends, आज भी मैं एक और confusion दूर करना चाहूँगी Kleem को लेकर. Kleem के लिए मुझसे पूछा comments में कि हमें को Kleem को chant करना है या Om Kleem या Om Kleem Namah को. तो friends, आज का मेरा topic यही है कि single Kleem को भी chant आप कर सकते हैं, no problem. जी हाँ friends, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के mind में ये बहुत सारा confusion है हो रहा है कि हमें Kleem को ही चैंट करना है या Kleem के साथ ओम भी शब्द ओम को भी जोड़ें, ओम Kleem करके चैंट करें, Kleem को चैंट करें या ओम Kleem Namah को करें. फ्रेंड्स, जितना आप सोचेंगे उतना कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन अगर होगा तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा Kleem पर. तो आप ओनली Kleem कीजिए, कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप ओम Kleem करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओनली जस्ट चैंट सिंगल Kleem, वो एक मैजिक वर्ड है, उसको अपने आप बार बार बोलिए ना, उसको रिपीट कीजिए. अगर आप और भी जोड़ते हैं, और मंत्रों को भी जोड़ते हैं, जैसे आपने ओम को भी अगर ऐड करा तो आपको आपके फिर माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा, आप Kleem को करिए. एक वर्ड का इतना छोटा सा प्यारा सा मंत्र है, इसको करिए. अगर आप से ओम को करते हैं तो आप ओम कर लीजिए, अलग से कर लीजिए, बट Kleem को अगर आप सिंगल चैंट करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. जितना ज़्यादा आप उसके माइंड उसको लेकर माइंड में कंफ्यूजन लाएंगे, उतना ज़्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगा. तो जस्ट चैंट ओनली Kleem, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आपके माइंड में अगर है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो बस यही कहना चाहूँगी. और मेन बात ये होती है डिवोशन की, मेन बात होती है उस पर ट्रस्ट की. आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ओम Kleem करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा? Kleem करके देखिए, आपको ज़रूर मिलेगा. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. बाय बाय.